हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपका चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज हम एक्सेल हंड्रेड का चैन स्पॉकेट चेंज करेंगे। ये देखिए एक्सेल हंड्रेड खड़ी हुई है मेरे पास, और किस तरीके से चेंज करना है, क्या क्या टूल लगेगा, सब कुछ मैं डिटेल बाय डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका स्पॉकेट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं रोलन कंपनी का इसमें स्पॉकेट डाल रहा हूँ, और इसकी MRP देख लीजिए, अभी की MRP ये है। और ये देखिए, और इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक दोस्तों, इसका चैन स्पॉकेट चेंज करने जा रहे हैं। दोस्तों क्या क्या खोलना पड़ेगा सब कुछ मैं बताऊँगा, कौन कौन से पार्ट्स इसमें यूज होंगे सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चैन स्पॉकेट ओपन करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले ही हम 10 नंबर गोटेस खोल लेंगे इसको, और ये वाले बोल्ट खोल लेंगे, और ये भी बोल्ट खोल लेंगे, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे बोल्ट हम खोल लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, इसका जो है चैन स्पॉकेट वाला ये ओपन कर लेना है। ठीक दोस्तों, ये 8 नंबर से ओपन होगा। दोस्तों इसको ओपन करने के लिए ये ऐसे घूमेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, पिछला पहिया पकड़ लेना है या फिर ब्रेक लगा लेनी है। ये ओपन हो गया, ब्रेक लगा करके इसको ओपन आसानी से कर सकते हैं, बिना ब्रेक लगाए इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। ये हमने ओपन कर दिया, अब क्या करना है, अब इसको जो है ये लॉक जो होता है इसको नीचे इस तरीके से पुश करेंगे तो ये बराबर पे आ जाएगा। ऐसे हम निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये चैन स्पॉकेट जो होता है इसे भी हम निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये ओपन हो गया। उसके बाद अब हमको चैन हटानी है इसे। दोस्तों चैन को अलग करने के लिए ये यहाँ पे ये लॉक होता है, ये देखिए ये लॉक बना हुआ है, ये लॉक से ही अलग होती है। लॉक से कैसे अलग होती है, इसे इस तरीके से पुश कीजिएगा। इस तरीके से पुश कीजिएगा, ये पुश किया, और ये देखिए इसका लॉक निकल आया, ये अलग हो गया, और उसके ऊपर एक पत्ती लगी होती है, ये भी हमको अलग कर लेनी है। ये देखिए पत्ती हमने अलग कर लिया, अब इसको जो है हमको आसानी से ये हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए अलग हो गया। ठीक दोस्तों, ये चैन हमारी अलग हो गई, इसको हम निकाल देते हैं पूरी। ठीक दोस्तों, इसको निकाल लिया है, अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। दोस्तों आप लोगों के पास पेट्रोल हो तो पेट्रोल से क्लीन कर लीजिएगा, हमारे पास पेट्रोल नहीं है क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से हम ऐसे ही साफ़ कर लेंगे इसको, और इतना गंदा भी नहीं है कि हम इसको और किससे साफ़ करें। ठीक है दोस्तों, ये हमने ओपन कर साफ़ कर लिया है, अब उसके बाद ये हम किट ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, किट के अंदर क्या क्या निकलता है सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों हम इसे किट ओपन कर लेते हैं, चैन स्पॉकेट किट कोई भी हो सब में इतना ही पार्ट्स निकलता है जितना कि इसमें निकलेगा। ठीक दोस्तों, इसे हम ओपन कर लेंगे, ये हम निकाल लेंगे, ये देखिए इतना निकाल लिया, और इसे हम और निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक इसके अंदर चैन होती है, और एक ये छोटा वाला स्पॉकेट होता है। ठीक दोस्तों, इसको रखते हैं साइड में, और इसके अंदर क्या होता है, एक ये स्पॉकेट होता है। ठीक दोस्तों, इस तरीके का स्पॉकेट होता है, ये पूरा सेट आता है दोस्तों 3 चीज़ों का, एक अगला स्पॉकेट, पिछला स्पॉकेट, और ये अगला स्पॉकेट, और ये चैन। ठीक दोस्तों, 3 पार्ट्स आते हैं। ठीक दोस्तों, पहला पार्ट हमारा कहाँ लगेगा, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा लगेगा आगे की ओर, कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पार्ट हमको इस तरीके से लगाना है, ये जो लिखा हुआ होता है ये सब बाहर रहेगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से लगा देना। उसके बाद ये पत्ती जो है लॉक जो होता है ये पुराना ही लगेगा, न्यू लॉक नहीं आता है इस पॉकेट के साथ, तो इसे लगा देते हैं, ये हमने फिक्स कर दिया।
लेकिन दोस्तों ये होल के सामने होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हमको ये पेच लगा देना, ये 8 नंबर पेच होते हैं। पहले दोस्तों हाथ से इसे चढ़ाइएगा, उसके बाद जो है स्पैनर से टाइट कीजिएगा, गोटी से, जिसे हम 8 नंबर गोटी बोलते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों जगह लगेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो है इसकी चैन लगानी है। चैन पूरी फुल्ली लुब्रिकेटेड आती है, इसमें जो स्प्रे स्प्रे सब लगा होता है, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो लॉक होता है इसे हम ओपन करेंगे, ओपन करके इसे हम हटा देंगे। ठीक दोस्तों, लॉक 3 पार्ट में होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। ओपन हो गई चैन हमारी। ठीक दोस्तों, अब हम इसे पहनाएंगे इसमें। इसे हम यहाँ पे पहना देंगे इस तरीके से, राउंड करके घुमा दीजिएगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से पहना देंगे, ऐसे और फुल खींचेंगे, ये यहाँ पे आ गए। और अब हम इसमें लॉक लगाएंगे, ये इस तरीके से हम पहना देंगे, फिर इसमें जो है ये लॉक लगा देंगे। लॉक लगा दिया, पत्ती लगा दिए, ये पत्ती है और ये लॉक होता है। लॉक प्लास की मदद से इसे प्रेस करके दबा देंगे, इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ये प्रेस हो गया, लॉक हो गया। ठीक दोस्तों, ये पूरा हमने ये आगे का जो इतना काम था पूरा कर दिया, अब बचा है पीछे का काम। ठीक दोस्तों, पीछे काम कैसे करना है, क्या क्या ओपन करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पीछे इस पॉकेट लगाने के पहले हमको ये पूरा व्हील खोलना पड़ता है, ये वाला व्हील। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रेक खोल लेंगे। जी, हमने ओपन कर लिया चैन ब्रेक वाला रॉड। अब हमको क्या ओपन करना है, ये ब्रेक रॉड हमने ओपन कर लिया। अब हमको क्या ओपन करना है, ये ओपन करना है 17 नंबर से ये खुलेगा और 17 नंबर से ये खुलेगा। तो दोनों खोलना है, तो 17 नंबर स्पैनर से हम खोलते हैं। तो दोस्तों, ये 17 नंबर पाने से ये हम खोल देते हैं। ठीक दोस्तों, इसे हम 17 नंबर पाने से ये खोल लेंगे, ये फुटरेस वाला, और ये इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 17 नंबर रॉड खोलना है एक्सेल वाली। ये हमने जो है ये बोल्ट ओपन कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको ये 14 नंबर जो है ये वाला बोल्ट भी खोल लेना है। निकाल लिया, ये पत्ती निकाल लिए। तो दोस्तों, ये ब्रेक रॉड में फंसी रहती है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये पत्ती बनी है, और ये पहले ये रॉड में फंसी रहती है, उसके बाद ये पत्ती निकलती है। दोस्तों, इसकी सेटिंग क्या होती है, जो कट बना होता है इसमें, देखिए ये कट बना हुआ है, इसकी जो सेटिंग होती है इसमें ये कट बना हुआ है। ये पत्ती जो होती है ये कट में, इसमें भी देखिए ये कट बने हुए, ये कट में ऐसे इस तरीके से फिक्स होती है। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे लगती है इसमें। ठीक दोस्तों, पहिए में लगती है। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसके रॉड को ओपन करेंगे और पहिया पूरा निकालेंगे। तो हमने पूरा ओपन कर लिया, अब हम रॉड को निकालते हैं और पहिया पूरा ओपन करते हैं और पूरा बाहर निकालते हैं। तो रॉड को ये हम ऐसे प्रेस करेंगे और इधर से पीछे से खींच देंगे। तो इसमें ये जो बाहुगली होती है, एक ये बाहुगली होती है जो यहाँ पर लगती है। ठीक दोस्तों, इसे निकाल लेंगे और ये पहिया पूरा हम निकाल लेते हैं इस तरीके। दोस्तों, पहिया तो हमने पूरा निकाल ही लिया है, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, ये इस पॉकेट निकालना है। इसको किस तरीके निकालेंगे, ये 24/27 का पाना यहाँ पे लगता है, इसे ओपन करेंगे। ऐसे भी ओपन कर लीजिएगा और इसे हम इस तरीके से निकाल लेते हैं।
और इसके जो ये लॉक होते हैं इसे हम खोल लेते हैं। पूरा ओपन कर लिया है तो दोस्तों इसे हम ये ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्पैनर लगा देंगे और इसी पे यहाँ पैर रख के इसको खोल लेते हैं। चारों बोल्ट ओपन कर लिए। तो दोस्तों ओपन करने के लिए ये फिर इसकी ये पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ निकाल लेंगे। दोनों दो पत्तियाँ होती हैं इसे हम निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये हमको ओपन कर लेना है। ठीक दोस्तों ये हमारा ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है, ये चारों बोल्ट हैं इस तरीके से दबा करके निकालने हैं। ये चारों बोल्ट जो होते हैं यहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे फंसते हैं तो इस तरीके से फंस जाते हैं। अब हमको इधर से इसे दबा करके इस तरीके से रखना है। ठीक दोस्तों और उसके बाद जो है ये स्पॉकेट जो होता है हमको इस तरीके से फंसा देना है, ये फंसा देना है। दोस्तों ध्यान रहे ये जो लिखा होता है ये ऊपर साइड रहेगा। अब हम इसमें दोनों पत्तियां लगाएंगे और ये वाली पत्ती लगा देंगे और इसमें जो है बोल्ट फंसा देंगे। ध्यान रहे दोस्तों नीचे से बोल्ट दबे रहने चाहिए, अगर ये दबे नहीं रहेंगे तो आपका जो बोल्ट है अच्छे से फंसेंगे नहीं। इस तरीके से ये दबाए रहने चाहिए। ठीक दोस्तों इस तरीके से ये दबाएंगे और उसके बाद ये बोल्ट फंसा देंगे चारों। और उसके बाद से ये जितनी पत्तियां हमने सीधी की थी सबको वापसी से पूरा टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ी कर दिया है। अब हमारा क्या काम है, अब ये एडजस्टर का काम है। पूरे फुल हैं इसको हम पूरा इसको लूज करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, ये दो एडजस्टर होते हैं, एक का बड़ा होल होता है एक का छोटा होल होता है। बड़ा होल होता है जो इस पॉकेट के लिए होता है, इसमें के लिए, तो इसे हम फंसा देते हैं। दोस्तों इसको फंसाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है चैन को इस तरीके से इसमें पार करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से इसको पार करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों और इसके बाद इसमें फंसाना है इस तरीके से। फंसाने के बाद हमको क्या करना है, इसका जो बोल्ट है बोल्ट लगा देना है। तो बोल्ट इसका जो होता है 24 नंबर होता है, सॉरी 23 नंबर होता है, लेकिन 24 नंबर पाने से हम लोग ओपन कर देते हैं। ये हमने लगा दिया और इसको हल्का से इतना टाइट कर देंगे ताकि ये लूज ना दिखे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको बैक करेंगे इस तरीके से। बैक करके इसका जो पीछे से सेटिंग जो थी उसको बराबर करेंगे। दोस्तों ये देखिए चैन इतनी लूज होनी चाहिए। ठीक दोस्तों चेक करेंगे ज़्यादा चैन मतलब टाइट भी ना हो, ज़्यादा लूज भी ना हो, अगर टाइट होगी। और दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे जो सेटिंग होती है ये जैसे यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है आपको पास से दिखा देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों ये लाइनिंग बनी हुई है और इसमें भी एक लाइनिंग बिंदी बनी हुई है। ये नंबरिंग के हिसाब ही से दोनों तरफ चैन एडजस्टिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 5 पे है तो उधर भी 5 ही पे होगी। ठीक दोस्तों ये लाइनिंग जो होती है लाइनिंग के हिसाब से ही पहिया सेंटर होता है। ठीक दोस्तों तो इसे हमने इतना बांध दिया। अब हम जा कर के इसका व्हील जो है पहिया जो है वो बांधेंगे। तो पहिया कैसे बांधेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों इसको फिट करने से पहले से हम पूरा साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद इसमें आरी ब्लेड से जो है कट मार देंगे, इसमें जो है कट मार देंगे आरी ब्लेड से। ठीक दोस्तों तो इसे आरी ब्लेड लाते हैं और उसमें कट मारते हैं इस तरीके से। हम आरी ब्लेड से इसमें कट मार देंगे। और इसे पोंछ देंगे और इसकी जो अंदर की जगह होती है ये अंदर की जगह भी हम पोंछ देंगे, कार्बन जितना है सब निकाल देंगे कपड़े की मदद से।
पोज देंगे। और अब इसको जा करके इसमें यहाँ पे इस तरीके से फिट कर देंगे। और दोस्तों इसके जो खांचे होते हैं, खांचे इसमें जा करके फंसेंगे, किधर साइड फंसेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसको इस तरीके से हम फंसा देंगे यहाँ पर से इस तरीके से, और ये जो खांचे होते हैं ये इसमें फंसेंगे। तो इसमें हम बराबर से फंसा देते हैं। इस तरीके से और इसमें हम ऐसे फंसा देते हैं, ये हम फंसा देंगे। उसके बाद क्या करना है, इधर साइड भोगली लगानी है, इसमें इधर से यहाँ पे भोगली लगानी है। भोगली लगा के इसकी जो राड होती है इसको प्रेस करना है, इसे हम और प्रेस कर देंगे। ये प्रेस कर दिया, अब हमको इसलिए जो है एडजस्टर लगाना है इधर, ठीक दोस्तों। उसके बाद ये बोल्ट लगाना है 17 नंबर इसमें इस तरीके से। अब इसकी जो है रॉड लगानी है ब्रेक वाली, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले ये बोल्ट हम लगाएंगे इसके अंदर, ये हम इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद ये जो है ये वाली जो रॉड होती है इसकी पत्ती, ये जो पत्ती होती है ये वाली, इसको इस तरीके से लगा देना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो है कट बना हुआ है इसमें वो इस तरीके से हमको फंसा देना है। इस तरीके से फंसा देंगे इसका, ये वाशर लगा देनी है। और उसके बाद जो है ये 14 नंबर नट लगा देंगे। ये इस तरीके टाइट कर देंगे। उसके बाद जो है इसको यहाँ से पार करेंगे केबल को, यहाँ से होल से, और इसमें स्प्रिंग पहनाएंगे। स्प्रिंग पहना दिया और इसमें जो है ये इस तरीके से भोगली लगेगी। अब ये रॉड जो है इस भोगली से पार हो जाएगी इस तरीके से। और उसके बाद जो है हमको ये नट लगा देना है, ये वाला जो हमने ओपन किया था स्टार्टिंग में। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इधर का ये पैनल लगाना है। और पैनल लगाने से पहले हमको क्या करना है, इसका जो पहिया घुमा करके ब्रेक आगे, पहिया घुमा करके ब्रेक आगे के प्रेस करके ये टाइट करना है ताकि सेंटर बराबर रहे। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसको आप ब्रेक दबा ही के टाइट कीजिएगा, अगर ब्रेक दबा के नहीं करेंगे तो पहिया सेंटर में अच्छे से नहीं आ पाएगा। ये हो गया पूरा फिक्स, अब हमको ये वाला पैडल लगा देना। इसको टाइट करने के बाद हम सारे बोल्ट हमने टाइट कर दिए और इसे स्पैनर से हम टाइट कर देंगे 10 नंबर से। दोस्तों गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, कोई पार्ट्स लगाने से पहले आपको उसको अच्छे से जांच लेना है, देख लेना है किस तरीके से खुल रहा है और उसी हिसाब से आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक दोस्तों। और सब कुछ आपकी आंखों के सामने हमने पूरा फिट कर दिया है। दोस्तों इसमें क्या कमी थी, इसके जो दांते थे ये टेढ़े हो गए थे, ये देखिए दांते आपको दिख रहे होंगे, ये दांते टेढ़े हो गए थे, इस वजह से हमको ये चेंज करना पड़ा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।